मैं जिंदा हूँ या मर गया, ऐसा बोल रहा है कि मैं मर गया हूँ शायद ऐसा, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं हर रोज काम पे जाता हूँ, ठीक है। देखो मेरा साइकिल है। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लगभग 3 वीक हो चुका है मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा है। तो कुछ भाइयों का कमेंट आया था, जो कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे, पता नहीं वो दिल से बोल रहे थे या ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे, या मुझे नहीं पता, कह रहे थे कि मैं मर गया क्या, मतलब मैं जिंदा हूँ या मर गया, ऐसा बोल रहा है कि मैं मर गया हूँ शायद ऐसा, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो किस लिए अपलोड नहीं करता ना, मैं आज आप लोगों को सारे चीज़ बताऊंगा। और आज मेरे को मौका मिला इसी चीज़ को बताने के लिए। मौका इसीलिए मिला है कि सुबह से बारिश हो रहा है, इस बारिश की वजह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग सोचोगे कि बारिश की वजह से मैं कैसे बता पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं हर रोज़ काम पर जाता हूँ, ठीक है। देखो मेरा साइकिल है, ठीक है, मेरा साइकिल है, रस्सी वगैरह है, मेरे को ये सब काम में आता है। मैं काम के लिए जा रहा हूँ। ये जो पॉलिथीन आप लोग देख रहे हो, ये मोबाइल को रखने के लिए है, जो बारिश हो रहा है अभी, देख सकते हो अभी बारिश हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रुका हुआ है बारिश, इसके वजह से मेरे को, मैं एक दुकान में जाके रुका हूँ और मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। दोस्तों मैं सुबह उठ के ही ना, मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से। मैं सुबह देखो अभी भी जस्ट मुँह धो के आया हूँ, फिर भी पता नहीं क्या लगा हुआ है आँख में, ठीक है। मैं जल्दी में लेट हो गया आज बारिश की वजह से। तो मैं सुबह उठ के ही ना मुँह धो के, और जो रात को अगर बचा हुआ कुछ खाना मिलता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो सुबह पानी और चावल, जो भी अगर रात को चावल बचा हुआ होगा तो पानी और चावल मिक्स करके मैं खा के निकल जाता हूँ काम के लिए, ठीक है। मैं 12-1 बजे काम से आता हूँ, मतलब दोपहर के खाना के लिए साइकिल से आ जाता हूँ रात शाम को, जो सॉरी दोपहर को 12-1 बजे फिर मैं वापस चला जाता हूँ, ठीक है। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा कुछ रनिंग कर पाता हूँ, जैसे कि 4-5 बजे मैं टाइम निकाल लेता हूँ काम से, मैं वो थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह, थोड़ा सा रनिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रात को आता हूँ, पूरा परेशान हो जाता हूँ, पूरा शरीर दर्द हो जाता है काम दम करके, फिर मैं सो जाता हूँ जल्दी सी, और फिर सुबह उठ के फिर से मेरे को निकल जाना पड़ता है और मैं वीडियो बना नहीं पाता, बस इसीलिए मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं मर गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं, बहुत कुछ सुनने को मिला है, जिंदा इंसान को मार दिया, ठीक है। तो मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, और लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अभी मेरे पास टाइम है, और पता नहीं यार, मौत एक ऐसा चीज़ है जो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं अभी भी मर सकता हूँ, 1 घंटे के बाद भी मर सकता हूँ, या फिर 1 साल के बाद ही मर सकता हूँ, या फिर 1 मिनट के बाद भी मैं मर सकता हूँ, ठीक है। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत हर किसी को आ सकता है, कभी भी, कहीं किसी भी वक्त, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और इन्जॉय करिए लाइफ को, और जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, ठीक है। इसके लिए पछतावा नहीं करना है, जो किस्मत में है नहीं इसके लिए फरियाद नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।